ओम गणेशाय नमः, ओम विघ्नहर्ताय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः। भक्तजनों, आज हम आप सबको बुधवार के पावन व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सबको तो पता ही होगा कि बुधवार का दिन श्री गणेश जी महाराज को समर्पित है। इस दिन गणेश जी की पूजा और आराधना करने वाला समस्त कठिनाइयों से मुक्ति पाता है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, गणेश जी महाराज की जय। गौरीनंदन गणपति की हम कथा सुनाते हैं, गौरीनंदन गणपति की हम कथा सुनाते हैं, विघ्न विनाशक एक दंत की गाथा गाते हैं। भक्तजनों, सर्वप्रथम आपको श्री गणेश जी महाराज के जन्म की पावन कथा सुनाता हूँ। शिव पुराण के अनुसार एक बार माता गौरा स्नान कर रही थी कि तभी भगवान शंकर का आगमन हुआ और माता का स्नान अधूरा ही रह गया। अब आगे सुनिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री गणेश जी महाराज की जय। रोज रोज ही इस प्रकार से आ जाते हैं शंभु द्वार पे, शिव को कोई रोक न पाता, माँ गौरा को यह नहीं भाता। रह जाता स्नान अधूरा, जो ना हो पाता है पूरा। एक दिवस माँ गौरा जी ने किया विचार है अपने मन में, क्यों ना द्वारे पर एक पहरेदार बिठाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, विघ्न विनाशक एक दंत की गाथा गाते हैं। जय जय गणपति महाराज, तुम पूर्ण करो सब काज, तुम पूर्ण करो सब काज, हे गिरिजा सुत गणराज। भक्तजनों, माता गौरा ने अपने मन में विचार किया कि क्यों ना द्वारे की रखवाली को एक पहरेदार नियुक्त किया जाए, जो बिना अनुमति के किसी को भी अंदर आने न दे। यही विचार कर माता ने अपने शरीर पर लगे हल्दी के उबटन से एक सुंदर से बालक को बना दिया। अब आगे सुनिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री गणेश जी महाराज की जय। बालक ने तब शीश झुकाया, माँ ने विनायक नाम बताया, माता ने एक शूल को देकर भेजा पहरे को द्वारे पर। बोली माता, हे विघ्नेश्वर, कोई भी ना आए अंदर। बाल विनायक शूल को लेकर खड़े हुए जाकर पहरे पर। उसी समय पर भोले शंकर भी आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, विघ्न विनाशक एक दंत की गाथा गाते हैं। जय जय गणपति महाराज, तुम पूर्ण करो सब काज, तुम पूर्ण करो सब काज, हे गिरिजा सुत गणराज। भक्तजनों, भगवान शंकर जैसे ही अंदर जाने लगे,
बाल गणेश ने तुरंत ही आकर उन्हें रोक लिया। भगवान शंकर बोले, अरे बालक, तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? बालक गणेश ने कहा, आप चाहे जो भी हो, परंतु बिना अनुमति के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री गणेश जी महाराज की जय। क्रोधित होकर के शिव बोले, अपने मुख्य गणों से बोले, इस बालक के सम्मुख जाओ, जिस प्रकार भी हटे हटाओ। बाल गणेश पे शिव गण धाए, किसी तरह से हटा न पाए। शिव ने स्वयं त्रिशूल उठाया, गणपति का सिर काट गिराया। सर कटते ही बाल विनायक अब गिर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विघ्न विनाशक एक दंत की गाथा गाते हैं। भक्तजनों, कोलाहल सुनकर माता पार्वती जैसे ही बाहर आती है, अपने पुत्र के कटे हुए सर को देखकर अत्यंत भयंकर रूप धारण कर लेती है। स्थिति को गंभीर जानकर भगवान विश्वनाथ गरुड़ को बुलाते हैं और कहते हैं कि हे गरुड़, शीघ्रता से उत्तर की ओर जाओ और जो भी माता अपने नवजात शिशु की तरफ पीठ करके बैठी हो, उससे बच्चे का शीश तुरंत ही काट ला। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, गणेश जी महाराज की जय। गरुड़ ने एक हाथी को पाया, जैसा शिव ने था बतलाया। हाथी का सिर काट गिराए, गरुड़ प्रभु के सम्मुख आए। शिव जी ने गणेश के धर पर लगा दिया है हाथी का सर। माँ गौरा का मन हर्षाया, तीन लोक में मंगल छाया। बाल विनायक तब से ही गज बदन कहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विघ्न विनाशक एक दंत की गाथा गाते हैं। जय जय गणपति महाराज, तुम पूर्ण करो सब काज, तुम पूर्ण करो सब काज, हे गिरिजा सुत गणराज। भक्तजनों, आइए अब आप सबको श्री गणेश जी महाराज के व्रत की पावन कथा सुनाता हूँ। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उस बुढ़िया के पास उसका इकलौता बेटा और बहू भी थी। अब आगे सुनिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री गणेश जी महाराज की जय। बुढ़िया बाल विनायक जी की पूजा रोज किया करती थी। एक रोज गणपति खुश होकर प्रकट हुए हैं बुढ़िया के घर। बोले, प्रभु जी संशय त्यागो, जो इच्छा हो वह वर मांगो। बुढ़िया बोली, हे विघ्नेश्वर, क्या मांगू मैं अब इस अवसर? मेरी बुद्धि में कुछ भी अब नहीं समाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विघ्न विनाशक एक दंत की गाथा गाते हैं। जय जय गणपति महाराज, तुम पूर्ण करो सब काज, तुम पूर्ण करो सब काज, हे गिरिजा सुत गणराज। भक्तजनों,
जब बुढ़िया ने इस प्रकार से कहा तो गणेश जी महाराज बोले, हे माता, जाके अपने बेटे और बहू से पूछ लो। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि श्री गणेश जी महाराज वरदान देने आए हैं, सो हे पुत्र, मैं क्या मांग लूं? तो प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री गणेश जी महाराज की जय। बेटा बोला माता, जाओ धन के हित अरदास लगाओ। कहा बहू ने माता, जाकर नाती मांगो एक अति सुंदर। बुढ़िया ने सोचा यह सब ही चाह रहे हैं बस मतलब की। पड़ोसियों के घर में जाकर बुढ़िया ने पूछा है सादर। सभी पड़ोसी उसको तब एक बात बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विघ्न विनाशक एक दंत की गाथा गाते हैं। जय जय गणपति महाराज, तुम पूर्ण करो सब काज, तुम पूर्ण करो सब काज, हे गिरिजा सुत गणराज। भक्तजनों, जब उस बुढ़िया ने जाकर पड़ोसियों से पूछा तो उन सभी ने कहा कि अब तुम्हारी जिंदगी ही कितनी बची है जो धन और परिवार की चिंता करती हो, इसलिए तुम श्री गणेश जी से जाकर अपनी आंखों की रोशनी मांगो, जिससे तुम्हारे आगे की जिंदगी आराम से कट जाए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री गणेश जी महाराज की जय। बुढ़िया ने कुछ सोच समझ कर कहा, प्रभु से हाथ जोड़ कर, यदि मुझ पर खुश हो जग स्वामी तो वर दीजिए अंतर्यामी। 9 करोड़ की दीजिए माया, रोग रहित हो मेरी काया। नाती पोतों से घर भर दे, अमर सुहाग सदा को कर दे। बुढ़िया जो भी और मांगती है बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विघ्न विनाशक एक दंत की गाथा गाते हैं। जय जय गणपति महाराज, तुम पूर्ण करो सब काज, तुम पूर्ण करो सब काज, हे गिरिजा सुत गणराज। भक्तजनों, वह बुढ़िया श्री गणेश जी महाराज से कहती है, हे नाथ, मेरा परिवार सदा सर्वदा सुखी रहे और मेरे आंखों की रोशनी पुनः आ जाए, तथा आपका नाम सुमिरते हुए मुझे अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री गणेश जी महाराज की जय। प्रभु मुस्काए, वर देने को हाथ उठाए। एवं अस्तु कह कर सुख राशि, अंतर ध्यान हुए अविनाशी। बुढ़िया के घर में सुख छाया, गजानंद के अद्भुत माया। जैसे बुढ़िया पे करुणा की, वैसे करना हम सब पर भी। हम सेवक प्रभु चरणों में नित शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विघ्न विनाशक एक दंत की गाथा गाते हैं। जय जय गणपति महाराज, तुम पूर्ण करो सब काज, तुम पूर्ण करो सब काज, हे गिरिजा सुत गणराज। भक्तजनों,
बुधवार के दिन श्री गणेश जी महाराज की पूजा आराधना और व्रत करने से सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। आइए आप सबको बुधवार के व्रत की संपूर्ण विधि बताता हूँ। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री गणेश जी महाराज की जय। बुधवार को प्रातः उठकर नित्य नियम से निवृत्त होकर घर में आसन एक बिछाए गणपति को उस पर बैठाए। बुद्ध देव की मूर्ति लाकर पूजा करें भाव से जाकर लड्डू हलवा भोग लगाए भाव पूर्वक आरती गाए। विघ्न विनाशक इतने से ही खुश हो जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं। विघ्न विनाशक एक दंत की गाथा गाते हैं। जय जय गणपति महाराज, तुम पूर्ण करो सब काज, तुम पूर्ण करो सब काज, हे गिरिजा सुत गणराज। भक्तजनों, व्रत रखने वाले को गणेश जी के साथ साथ भगवान बुद्ध की भी पूजा करनी चाहिए। शाम के समय फलाहार से पारण करें, नमक का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए। दही, हरी मूंग की दाल का हलवा और हरी वस्तुओं से बनी चीजें खा सकते हैं। दिन भर श्री गणेश जी महाराज और भगवान बुद्ध के मंत्रों का जाप प्रेम पूर्वक करते रहना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री गणेश जी महाराज की जय। गणपति नाम है शीतल चंदन, यह पावन करता है तन मन। गणपति जी का नाम पुकारो, अपना जीवन स्वयं सवारो। गणपति की महिमा है भारी, इनको पूजे सृष्टि सारी। कथा भाव से जो गाता है, भवसागर से तर जाता है। गीतकार सानंद इन्हें नित शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। विघ्न विनाशक एक दंत की गाथा गाते हैं। जय जय गणपति महाराज, तुम पूर्ण करो सब काज, तुम पूर्ण करो सब काज, हे गिरिजा सुत गणराज। ओम गंगे
नमो नमः।
शुरुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना, सकल मगन सुख मंगल गावही, नाभति सुरन सुमन वर शावही। पंचमी दिनेश पूरण जा
गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जानकी पार्वती पिता महादेवा माता जानकी पार्वती पिता महादेवा जय गणेश जय गणेश देवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जानकी पार्वती पिता महादेवा माता जानकी पार्वती पिता महादेवा एक दंत भक्तों, आज हम आप सबको श्री गणेश जी महाराज की पावन अमृत वाणी सुनाने जा रहे हैं, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्यों के समस्त पाप और संताप समाप्त हो जाते हैं। तो आइए भाव सहित पावन और सुमधुर अमृत वाणी का श्रवण पान करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, गणपति जी महाराज जी की जय। जय जय माँ गौरी के नंदन, जय मंगल मूर्ति जगवंदन। जय जय माँ गौरी के नंदन, जय मंगल मूर्ति जगवंदन। सब देवों में प्रथम पूज्य तुम सबसे श्रेष्ठ महान। सब देवों में प्रथम पूज्य तुम सबसे श्रेष्ठ महान। जय गणपति भगवान, जय गणपति भगवान, जय गणपति।
गणपति भगवान, जय गणपति भगवान। प्रिय भक्तों, बुधवार के दिन श्री गणेश जी की पूजा और भक्ति करने से निसंतान दंपति को आज्ञाकारी संतान और रोग आदि बाधा से घिरे हुए जीव को आरोग्यता तथा निर्भीकता प्राप्त होती है। जो भी सच्चे भाव से गणेश जी की शरण हो जाता है, उसका लोक और प्रलोक दोनों ही संवर जाता है तथा अंत में परम कैवल्य पद की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, गजानन महाराज की जय। पाप श्राप सब मिट जाता है जो गणेश का गुण गाता है। घर परिवार सदा हर्षाए, शत्रु आदि का भाए न छाए। गणपति नाम जगत का प्यारा, गणपति नाम सदैव सहारा। कभी सानंद सुनील सदा ही, भक्ति भाव करता गणपति की। गणपति जी देते भक्तों को मोह मांगा वरदान, गणपति जी देते भक्तों को मोह मांगा वरदान। जय गणपति भगवान, जय गणपति भगवान, जय गणपति भगवान। प्रिय भक्तों, श्री गणेश जी महाराज समस्त अमंगलों को दूर करके मंगलों को प्रदान करने वाले परम सिद्धियों के स्थान है। ये आदि और अनंत की सीमाओं से पूर्णतः स्वतंत्र और भिन्न हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, गणेश जी महाराज की जय। सत्य सनातन जय अविनाशी, जय गणेश कण कण के वासी। अखिल भुवन पति अंतर्यामी, जय गणनायक जय जग स्वामी। निर्बल के बल सदा सहायक, परम प्रकाश सदा सब लायक। निराकार साकार तुम ही हो, सृष्टि के आधार तुम ही हो। तुम ही हो आज्ञान विनाशक, तुम ही तत्चुक ज्ञान। तुम ही हो आज्ञान विनाशक, तुम ही तत्चुक ज्ञान। जय गणपति भगवान, जय गणपति भगवान, जय गणपति भगवान। प्रिय भक्तों, वैसे तो गणेश जी को वेदों में अजन्मा बताया गया है, परंतु लौकिक दृष्टि से शास्त्रों में इनके जन्म की कई कथाएं मिलती हैं। जैसे एक बार भगवान शिव ने एक बड़े ही सुंदर बालक को बनाया था, जिसके प्रत्येक अंग अंग की शोभा बड़ी ही अद्भुत और अद्वितीय थी। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, गणेश जी महाराज की जय।
एक बार शिव के मन आया, बालक अद्भुत एक बनाया, रूप मनोहर ऐसा भाए, जिसे देख कर काम लजाए। देवों ने देखा जाकर जब चिंता मन में छाई है, तब शिव ने सबको दुखी देख कर लगा दिया है हाथी का सर। नाम पड़ा है विघ्न विनाशक, देव करे गुणगान। नाम पड़ा है विघ्न विनाशक, देव करे गुणगान। जय गणपति भगवान, जय गणपति भगवान, जय गणपति भगवान, जय गणपति भगवान। प्रिय भक्तों, शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती के योग शक्ति से श्री गणेश जी का अवतार हुआ था। माता पार्वती ने इनका नाम विनायक रखा और एक शक्तिशाली सूल देकर द्वार की पहरेदारी पर बिठा दिया। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, गणेश जी महाराज की जय। एक रोज भोले शिव शंकर जाने लगे द्वार के अंदर, गणपति ने उनको रोका जब युद्ध छिड़ गया दोनों में। तब शिव ने अपना शस्त्र उठाया, बालक का सिर काट गिराया। माँ गौरा ने देखा आकर, रूप बनाया अति भयंकर। शिव ने हाथी शीश लगाकर दिया भय वरदान। शिव ने हाथी शीश लगाकर दिया भय वरदान। जय गणपति भगवान, जय गणपति भगवान, जय गणपति भगवान। प्रिय भक्तों, कहते हैं भगवान श्री गणेश जी ने सतयुग में ऋषि कश्यप और माता आदिति के यहाँ महोत्कट विनायक नाम से अवतार लिया। इस अवतार में गणेश जी ने देवांतक और नारांतक नामक दैत्य का संहार करके धर्म की पुनः स्थापना की थी। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, गणेश जी महाराज की जय। त्रेता में माता गोरा से प्रकट हुए गणपति बन करके, श्वेत वर्ण मयूर था वाहन, षष्ठ भुजा शुभ सुंदर आसन। नाम मयूरेश्वर है पाया, तीनों लोक में जय जय छाया। सिंधु नाम का दानव मारा, भक्त जनों का कार्य सवारा। सत्य धर्म को मिला सहारा, जग में अति बलवान। सत्य धर्म को मिला सहारा, जग में अति बलवान। जय गणपति भगवान, जय गणपति भगवान, जय गणपति भगवान, जय गणपति भगवान।
प्रिय भक्तों, द्वापर युग में श्री गणेश जी महाराज ने पुनः माता पार्वती के गर्भ से जन्म लिया। इस अवतार में श्री गणेश जी का वर्ण लाल था, उनकी चार भुजाएं थी तथा मूषक वाहन था। इसी अवतार में श्री गणेश जी ने ऋषि वेद व्यास जी की प्रार्थना पर महाभारत की रचना की थी। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, गणेश जी महाराज की जय। दैत्य सिंधुरासुर अभिमानी करता था निश दिन मनमानी, असुरों ने आतंक मचाया, हाहाकार सकल दिश छाया। भक्तों ने अरदास लगाई, गणपति जी की स्तुति गाई, गणपति ने दानव को मारा, भक्त जनों का कष्ट निवारा। दानव के मरते ही सब जन करने लगे बखान, दानव के मरते ही सब जन करने लगे बखान। जय गणपति भगवान, जय गणपति भगवान, जय गणपति भगवान, जय गणपति भगवान। प्रिय भक्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री गणेश जी महाराज कलयुग के अंत में सुपकर्ण नाम से अवतार लेंगे। वे देवदत्त नाम के नीले रंग के घोड़े पर चार भुजा से युक्त होकर सवार होंगे। उनके हाथ में एक बड़ी ही शक्तिशाली तलवार होगी और वह अपनी सेना के साथ दुष्ट पापियों का नाश करेंगे। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, गजानन महाराज की जय। जब जब संकट जग पे छाया, पाप धर्म अधिक बढ़ आया, तब तब नाना रूप बनाकर गणपति जी आए धरती पर। घोर पाप का भार मिटाया, निर्भय सारा जगत बनाया, गणपति जी की महिमा भारी, सारे जग से है अति न्यारी। गणपति के बल पर ही चलते विधि के सभी विधान, गणपति के बल पर ही चलते विधि के सभी विधान। जय गणपति भगवान, जय गणपति भगवान, जय गणपति भगवान, जय गणपति भगवान। प्रिय भक्तों, प्रलय काल के पश्चात जब सृष्टि के निर्माण कार्य में व्यवधान उत्पन्न होने लगा, तब ब्रह्मा जी ने बड़े भाव के साथ श्री गणेश जी महाराज की स्तुति की। अचानक उनके कान में एक बड़ा ही सुंदर शब्द सुनाई पड़ा कि हे ब्रह्मा, तुम किसी वट वृक्ष के नीचे जाकर श्री गणेश जी की तपस्या करो, तभी तुम्हें इस बाधा से मुक्ति मिलेगी। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, गजानन महाराज की जय। ब्रह्मदेव बट नीचे जाकर बैठ गए हैं ध्यान लगाकर,
एकाक्षरी मंत्र की माला जपने लगे जगत प्रतिपाला। गणपति जी ने दर्श दिखाया, ब्रह्मा का सब कष्ट मिटाया, सृष्टि का क्रम हुआ है पूरा, रहा न कोई कार्य अधूरा। गणपति की भक्ति से मिटता है सारा व्यवधान, गणपति की भक्ति से मिटता है सारा व्यवधान। जय गणपति भगवान, जय गणपति भगवान, जय गणपति भगवान, जय गणपति भगवान। प्रिय भक्तों, ब्रह्मांड में होने वाले समस्त छोटे अथवा बड़े कार्यों या घटनाओं की सिद्धि के लिए श्री गणेश जी की पूजा और भक्ति का सहारा परम आवश्यक होता है। श्री गणेश जी महाराज का पंच देवों में प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थान है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, गजानन महाराज की जय। प्रथम पूज्य हैं गणपति देवा, करते सुर नर मुनि सब सेवा, प्रभु स्वानंद है लोक के वासी, निर्विकार निर्गुण अविनाशी। चिंतामणि गणेश का पूजन, हरता है भक्तों का दूषण, मंगल मूर्ति नाम है इनका, मंगल का ही काम है इनका। जो गणपति के शरण में आया हुआ परम कल्याण, जो गणपति के शरण में आया हुआ परम कल्याण। जय गणपति भगवान, जय गणपति भगवान, जय गणपति भगवान। प्रिय भक्तों, त्रिपुरासुर के वध के समय भगवान शंकर ने गणेश जी का अस्तवन किया। माता पार्वती ने लोहाद्री जिला पुणे में और माता आदि शक्ति ने विंध्याचल क्षेत्र में भगवान गणेश जी की तपस्या की। देवराज इंद्र ने, मंगल ग्रह ने, चंद्रमा, यमराज और भगवान दत्तात्रेय सभी ने अपने अपने कार्यों की सिद्धि के लिए अपने अपने समय में श्री गणेश जी की पावन स्तुति और आराधना की है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, गजानन महाराज की जय। ज्ञान और विज्ञान प्रदाता, गणपति सबके भाग्य विधाता, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ने भी पूजा की है गणपति जी की। गणपति का शुभ नाम जपे जो, कष्ट कभी भी पाए ना वो, निर्धन के घर धन हर जाए, निर्बल बल पाके हर साए, सुख समृद्धि घर में आए जो करे नित ध्यान, सुख समृद्धि घर में आए जो करे नित ध्यान। जय गणपति भगवान, जय गणपति भगवान,
जय गणपति भगवान।